है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्या कराया था? पहले मेरे ऊपर कुछ ऐसा करा दिया था कि मुझे समझ में नहीं आया, और वो जब वो मेरे से जुड़ी ना तो मुझे हाफ हाफ जम्हाई आने लगी। ठीक, हाफ हाफ जम्हाई आ रही थी, और जम्हाई लेने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि सारी चीजें क्या हो रही है। तो धीरे धीरे वो जम्हाई पूरा लंबा लंबा आने लगा, और फिर उसके बाद आंसू आने लगे। ठीक बाबा, तो आंसू आने लगे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो पैसे के लिए डिमांड की, थोड़ा सा ऐसे कराकर मोबाइल से मुझे ही उलझा कर, और मुझे लग रहा था कि खाली प्रेम मुझे मिल रहा है, उसमें जो किया गया है उसमें मुझे बस प्रेम मिल रहा है, खाली आंसू गिर रहे थे मेरे अपने आप। अच्छा। और फिर उसके बाद धीरे से मैसेज में व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज की कि पैसे का थोड़ा सा मांग की उस तरह से। मैं नहीं दिया तो मेरे ऊपर एक रोज मेरे सर पर रात में सोया था कोई चोट किया हंटर से। ठीक बाबा, और वो पेट में घुसकर पूरा पेट को मिरोड़ दिया। मुझे बुखार जैसा आ गया, गश्ती जैसा आ गया, और दो तीन दिन तक इसका असर रहा, तीन चार दिन तक मेरे शरीर पर। फिर उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ देवी का करता हूँ, दुर्गा का, फिर अपना इसी तरह करते करते आगे बढ़ा। बाबा पता, रोज रोज ऐसा ऐसा कुछ करती है ना कि हम क्या बताए। तो आंसू आता, रुलाती है, और पैर में रेंगाती है, चलाती है, किसी से पूछ लेगी कि अभी वो चार फोर व्हीलर से गया कि टू व्हीलर से गया। तो जब उसको पता चल जाएगा कि ये टू व्हीलर से गया, तो भोर में रात में, सुन रहे हैं ना? जी जी, सुन रहे हैं। वो भोर में रात में पैर में रिंगाएगी, और रिंगाकर सेम टू सेम वही चीज उतार देगी सपना में। अच्छा। रोज। जी जी, ये भी काम करती है डिस्टर्ब करने के लिए। आपने देखा है करते हुए कि वो करती है ऐसी चीजें? मोबाइल पर बाबा लिख कर, जिस दिन ये बाण मारा था सर पर मेरे ना, चोट किया था हंटर से ना, उस दिन अगले दिन मेरे मोबाइल पर मेरा देख ली कि मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप ऑन है, चल रहा है, तो मैसेज में लिख रही है कि अभी गिरा नहीं, वो लिख रही है मैसेज में कि अभी गिरा नहीं, अभी गिरा नहीं। इसका दिमाग ना मिलिट्री, जो भारतीय सेना जो है, मिलिट्री के जैसा मजबूत है, अभी गिरा नहीं, समझ रहे हैं बाबा? उसका नाम जया जायसवाल है बाबा, आरा की रहने वाली है, उधर गुवाहाटी साइड विवाह उसका हुआ है। अच्छा अच्छा जी बाबा, ऐसा ऐसा एकदम, मैं क्या बताऊँ कितना तकलीफ में। और बाबा गाल पर आग भी देती है कभी कभी। क्या करेगी कि जब मैं गाड़ी से आऊंगा किसी से, अब ऑनलाइन का जमाना है इंटरनेट का, किसी लड़के से फेसबुक से सारा जुड़ा हुआ है किसी से, जब मैं आऊंगा तो ये लोग बोलते हैं हाँ कि अभी आए हैं, ये अपना संपर्क कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं, वो क्या करेगी ना कि उधर से ना आग देगी गाल पर मेरे, पूरा एकदम मेरी आंखें लगेगा कि पूरा आग हो गया। तो फिर मुझे कोई उपाय नहीं समझ में आया। पहले बहुत तकलीफ होती थी, तीन चार घंटे पांच घंटे तक, लेकिन फिर मोबाइल पर ही ऐसे देखते देखते मुझे एक दिन गौमूत्र मिला। तो जैसे ही रामदेव बाबा का पतंजलि का गौमूत्र मंगाया हूँ, उसको लगा लेता हूँ तो तुरंत खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं बाबा? और ऐसी ऐसी बड़ी बात है बाबा, इसीलिए मैं सोचा कि देखिए ये कोई खिलवाड़ नहीं है, मैं इधर सबको दिखलाकर हार गया हूँ, जितना छोटा मोटा जो भी लोग देखते ताकते हैं। ये एक बात है, जब सब हाथ खड़े कर देते हैं ना, क्या बाबा, जब सब हाथ खड़े कर देते हैं तब लोग मेरे पास आते हैं। जी जी, चिंता ना करो, आपका काम मैं कर देता हूँ और तसल्ली से करूंगा, ताकि दोबारा कोई आपको हाथ भी ना लगा पाए। बाबा वो रोज मेरे पर लपटी हुई है, रोज कुछ ना कुछ करती है, रोज कुछ ना कुछ, कभी रात में कोई चुटी काटेगा बाबा भाग जाएगा, सुई भी चुभाती है, पता नहीं कैसे चुभता है मेरे ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि तुम्हारे पास में ही रहती है क्या? नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, वो जैसे मैं रात में सोया रहूंगा ना तो कोई ऐसे लगेगा कि कोई आएगा, उंगली पकड़कर भाग जाएगा। और फिर बाबा कभी कभी कोई चीज मैं ही बोलूंगा, लेकिन मेरे से जबरदस्ती बुलाया जाएगा। जैसे ये बाण मारने से पहले ना, जो सर पर चोट किया गया था, मैं उस दिन वर्कआउट कर रहा था, कसरत कर रहा था जिम, तो उस दिन मेरे से पूछा गया कि तुम कौन हो, तो पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मैं कसरत कर रहा था, पूरा मुझे गश्ती जैसा आया और मेरे से पूछा गया कि तुम कौन हो वहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले था। तो जी जी, मेरे ही दिमाग से आया, मैंने पूरा दम लगा कि कोई आया है दूसरा चीज बाहर से। ठीक,
और पूछा मेरे शरीर में घुस करके तुम कौन हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुर्गा देवी का पुजारी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं चंडे हूँ, मैं मुंडेश्वरी हूँ, मैं वैष्णो हूँ, मैं शंकर हूँ। फिर वो बोला बाबा कि तुम कौन हो, तो फिर मैं बोला कि मैं दुर्गा हूँ रे, मैं इसी तरह बोल रहा हूँ कि मैं दुर्गा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं मुंडेश्वरी हूँ, मैं वैष्णो हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रोहित पटेल हूँ। मैं फिर बैठ गया, बैठ कर लगा सोचने यार कि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि मैं रोहित पटेल हूँ, ये मैं क्या बोल रहा था। अच्छा। उसके सात दिन बाद बाबा सर पर रात में चोट कर दिया गया। चोट करने के बाद पूरा पेट में जाकर वो हौर दिया, लगा कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन पूजा पाठ माता का कर, देवी देवता का हमेशा पूजा पाठ करता रहता हूँ, इसलिए संभाल कर रखा है उन्होंने, बैठा रहा। वो लड़की मेरे घर में आ गई। अच्छा। मैं देख रहा हूँ पीले ड्रेस में, मैं चौकी पर बैठा था बाबा, वो पीले ड्रेस में उसी रात जिस दिन रात में बाण मारा गया था वो मेरे घर में आ गई, और मैं देख रहा हूँ कि उसमें वो खंबे खंबे से छुपकर मुझे देख रही है। खंबे खंबे से छुपकर देख रही है, खंबा है आंगन में, मेरे खंबे हैं, वो खंबे खंबे से छुपकर देख रही है, इस खंबे उस खंबे उस खंबे, और मैं चुपचाप देख रहा हूँ और डर भी लग रहा था मुझे। ऐसे करते करते फिर रात भर बीता, उसे 3 बजे तक फिर मुझे बुखार आ गया। मुझे लगा कि मैंने पूरा एनर्जी ऊर्जा के साथ मारा गया था, जो भी किया गया था सब कुछ बहुत ताकत थी, पावरफुल था, जिससे बात भी करता हूँ ना पूरा मेरा ये शरीर का रोमा भरभरा जाता है। बाबा मैं ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हूँ, बात को थोड़ा समझिए, ये नहीं है कि मैं कोई मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ, ठीक है ना। ये मेरे साथ 6 महीना पहले मैं इन सब चीजों को नहीं मानता था, लेकिन जब हुआ ना तो मैं भी इन चीजों को मानने लगा और समझने लगा कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी हो सकती है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों को चोट पहुंचाया जा सकता है बाबा। पहले इन सब जी जी बाबा मैं बहुत समझदार हूँ बाबा, बहुत गंभीर व्यक्ति हूँ, ये नहीं है, लेकिन समझाता हूँ किसी को तो कोई समझ में। मेरे भाई साहब IIT के करके राउरकेला में है, सेल कंपनी में, भारत सरकार में, IIT करके। अच्छा। समझ रहे, IIT रुड़की से किए, तो उनको समझाता हूँ, समझ में नहीं आता है, बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, पता नहीं ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि अभी भी आप इंसान ही हो। नहीं पढ़ने की बात नहीं है, समझाता हूँ ना, कम से कम भाई है तो समझना चाहिए ना कि ऐसा भी हो सकता है। मैं वही बता रहा हूँ, जो पढ़ लिखे होते हैं वो लॉजिक मानते हैं हर एक चीज का, तो इन चीजों का लॉजिक नहीं होता। जी जी, जैसे भावनाएं होती है उनका कोई लॉजिक थोड़ी होता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है बाबा। आज के डेट में मेरे ऊपर एक ही समस्या ये है कि मेरे गाल पर आग देती है बराबर, और मेरे जमहाई आएगा मुझे लंबा लंबा, ठीक बाबा। पहले ऐसे नहीं होता था, इससे जुड़ा तभी हुआ, जमहाई आता है तो फिर रुलाएगा कुछ देर तक, आंसू आएगा, मैं 10 लोगों के बीच में भी बैठा रहूंगा तो लगेगा कि कोई मेरे के दिमाग को दम ये कमजोर बना दिया, सुस्त बना दिया थोड़े देर के लिए, और टोटल लगेगा कि कोई मेरी एनर्जी ऊर्जा कोई ले गया, माने दिमाग चला जाएगा उसके यहाँ, ठीक बाबा। ये समस्या पैर में रोज रिंगाती है, जैसे ना टप 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 करंट, जैसे कीड़े वो ढेलुए होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे का खोलते हैं, चाय जैसे खोलता है ना चाय ऊपर नीचे। तो कोई मुझे दरगाह पर बताया था कि दीपक जलाइएगा उसको देखिएगा ना, तो वो कटेगा, तो मैं दीपक जलाता हूँ तो ऐसे टप 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 खोलते रहता है पैर में, लेकिन निकलता नहीं है बाबा। ये भी होता है। हाँ, ये कब ज्यादा समझ में आएगा, जब मैं बाथरूम बैठने जाऊंगा, लैट्रिन बाथरूम, उसमें और ज्यादा हो जाता है, हमको लगता है कि गंदा जगह है, नकारात्मक चीजें हैं, और बहुत तेजी से होने लगता है उसमें। अच्छा। तो ये भी होता है बाबा, और सेम टू सेम उतारती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर देख लेगी कि ये कपड़ा पहन कर गया है लड़का और वो लोग बता देंगे, तो मॉर्निंग में वही 3 बजे 4 बजे पहले रिंग आएगी, समझ रहे हैं बाबा, और फिर उसके बाद एक स्वप्न बनकर चला जाएगा, कहानी बनकर चली जाएगी। फिर मैं उठूंगा, उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा कि यार याद न आए, लेकिन वो दम सेम टू सेम कहकर चली जाएगी डिस्टर्ब करने के लिए। अगल बगल के दुकान वाले ये चीज बोले हैं कि झगड़ा हो जाए, झंझट हो जाए, जेल चले जाए मारपीट कर, समझ रहे हैं। जी 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 बाबा, एक बार मेरे सर में मड़ी तक दिखला रही थी। अच्छा। और एक बार मेरे सर में
पूरा मड़ी दिखला रही थी, पूरा प्रकाश हो गया था सर मेरा। और एक चीज और है बाबा, पति पत्नी का जैसे जो रिश्ता होता है, समझ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि असली चीज तो है कि बाबा हम कैसे बताएं, अब तो बड़ा शर्म आ रही है, लेकिन हम सोए रहते हैं बाबा, तो मेरे रात में हम सोए रहेंगे और मेरे शरीर के अंदर हलचल होने लगेगी। अच्छा। अगर कुछ वो करेगी वो वहां से, तो मेरे शरीर में हलचल होने लगेगी, दम माने गुदगुदी माने अजीब सा हलचल होने लगेगी जी, लगेगा कि माने माने कोई माने पूरा पावर आ गया, एनर्जी ऊर्जा आ गया कहीं से जी जी बाबा। अब वो सब मैसेज पे लिख लिख कर मुझे दिखलाती भी थी उस समय बाबा, जिस समय साइट से ऐसे कि अभी इंटरनेट का जमाना है ना, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फंसने का तो कोई बात ही नहीं है, तो साइट से सब सुझाव भी देती थी कि ये है वो है ऐसे है, पता नहीं बाबा उसको कहाँ से मिल गया ये सब चीजें, हमको नहीं जानकारी है, सबको नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास अगर उपाय है बाबा, सच में हम बहुत सीधे साधे आदमी है, तो देखिए बाबा अगर ठीक कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर हमको कोई रास्ता बताइए जी जी, सारी चीजें यही समस्या है बाबा, नहीं तो हमको कहिएगा तो हम आ भी जाएंगे आपके यहाँ, फ्लाइट पकड़ेंगे आ जाएंगे। मैंने बताया आपको जी जी, उसको पहनो, उसके बाद जो है तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएंगी, ये रामबाण इलाज है, उसको पहनने के बाद समझो कि जो करेगा ना उसके ऊपर ही लगेगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो हमको पूरा कंट्रोल करके रखिए बाबा, मैं समझ रहा हूँ, वो दूर दूर बैठी बैठी तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है जी, बस 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 यही चीज है, पूरा एकदम कंट्रोल करके रखिए। हमको लगता है कभी कभी पुतला बनाकर रखिए जी, क्या बनाकर रखी है मेरा, बस ऐसे हो सक... करो। ऐसा होता है बाबा जी, मैंने ये ग्रहण में बनाया जी, जी ग्रहण की चीजें इतनी पावरफुल होती हैं कि बड़े से बड़ा तांत्रिक भी नहीं तोड़ सकता जी, तो जी अभी इसको पहनो, इसके बाद देखो कैसे वो तुम्हारे कदमों में आती है जी जी, ताबीज पहनने से ही सारा चीज खत्म हो जाएगा हमारा। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्शन हो जाएगी तुम्हारी। ताबीज मुझे बनारस में भेजना होगा बाबा, बनारस में हम बनारस के नियर में है, काशी विश्वनाथ जी, मुझे मैं भेज देता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के बगल से हूँ जी 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 ठीक बाबा, एकदम ये 100% काम करेगा ना, 5000% काम करेगा ये, तुम्हारे पर पहली बार नहीं कर रहा हूँ मैं ये, लोगों को बहुत बार टेस्ट करने के बाद तुम्हें दे रहा हूँ, इस समस्या आप सुन लिए जी। अब बाबा मुझे ऐसे उलझा कर रखिए कि मेरी लाइफ भी बर्बाद हो रही है। मैंने सुन लिया, मैं समझ गया सारा, तुम्हारे कहने से पहले ही समझ गया था कि ये कर क्या रही है, ठीक है जी जी, तो बस जी। जैसे मैंने बताया वैसा करो, और उसके बाद देखो इसकी एक नहीं चलेगी तुम पर जी जी। पैसा कितना भेजना होगा बाबा? 8500 जी। ठीक है बाबा, ठीक ठीक है, हम बात करते हैं आपसे। ओके।